सो दीज टू आर द मोस्ट डेंजरस. बहुत जल्दी में पैर फैला नहीं. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे. और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में रायुष ब्लॉग्स. और जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग ऊटी में हैं, तो अभी हम लोग आए हैं थंडर वर्ल्ड. और पहले हम लोग रोज गार्डन गए थे, रोज गार्डन के बाद चेकआउट किया, फिर चेकआउट के बाद हम लोग आए थंडर वर्ल्ड. तो यहाँ पे कार पार्किंग, कार हमने यहाँ पे पार्क किया है और कार पार्किंग का है 30 और अंदर दूसरे जगह 50. हाँ, दूसरे अगर अपोजिट साइड अगर पार्किंग किया तो 50 रुपए. तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ. यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी लिखा रहता है, लेकिन लिखा हुआ है द ओनली ओरिजिनल वैक्स म्यूजियम. आई डोंट नो व्हाई. उसका भी अलग से प्राइस है, वैक्स म्यूजियम का अलग से प्राइस है. यहाँ पे टिकट है. पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखो सुपर स्नोबोर्ड, डायनासोर पार्क, कैमरा म्यूजियम, 5D, वाटर डॉग, रेन फॉरेस्ट, वोर्टेक्स, मिरर मेज, माय इंडिया, ट्रिकई. ओके, बिना स्नोबोर्ड ट्रिकई चाहिए तो सर्कल कॉम्बो, स्नोबोर्ड ट्रिकई मिला के सुपर कॉम्बो. तो हमने टिकट ले लिया है और हमारा टिकट पर पर्सन 470 का है. और जिसमें हमने एक चेंज करवाया है, हॉन्टेड हाउस को रिमूव करके ट्रिक आई लिया है. और आप यहाँ पे चेंज भी करवा सकते हैं. और स्नो वर्ल्ड हमने नहीं लिया है, क्योंकि स्नो वर्ल्ड हम लोग पहले ही अच्छे से मजा कर चुके हैं, इसलिए हम लोग दोबारा नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा टिकट है ट्रिक आई. और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अंदर की तरफ जाएंगे. अच्छा लग रहा है अंकित? चलो टिकट चेक करेंगे क्या? We got our bands. Sorry, got a entry. First, any, कोई भी पहला कोई भी जा सकता. बोलो तुम लोग क्या, कौन से जाएंगे पहले? हम लोग पहला कोई भी जा सकते हैं. यहाँ पे लिखा है इस पे सारा जो आपको जाना है ना, ये हंटेड हाउस सारा ऐसा है. इस पे मेंशन है जो भी हम लोग जाएंगे ना, इस पे सारे चीजें ना मेंशन है. हर चीज अभी तो वो बोले कि कोई भी पहले जा सकते हैं ना. अना सुलो कि फर्स्ट इन पढ़वाला. ओके ओके, पढ़वाला ना. चले ठड़ाई, चले ठड़ाई, चले पहले. ओके, तो पहले हम लोग जाएंगे ठड़ाई. अब जो भी पहले जाते रहेंगे दे विल डिडक्ट दिस. जाओ अंकित. हम लोग ठड़ाई में आ चुके हैं. ठड़ाई में बस आपको बहुत सारा कैमरा दिखने को मिलेगा, अभी से लेके पुराने जमानों तक का. आप देख सकते हैं पीछे जापान है, कितना छोटा कैमरा है. ये सारे कैमरा पहले ना यहाँ पे यूज होते थे. ये भी है, मतलब नीचे मेड इन यूएसए स्पाई कैमरा. दिस ऑल आर द स्पाई कैमरास. इस पे लिख इंटरेस्ट है, उसको बहुत मजा आने वाला है. यहाँ पे कितना इधर भी आओ. See this calculator. हम लोग जाएंगे इन्फिनिटी में, जो ये मिरर इमेज है और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट स्टेप अपॉन मिरर एंड और टच मिरर. ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है. Look at this. ये मस्त है, बिल्डिंग टाइप का लग रहा है ना. एक मिनट, चलो
सो अब एग्जिट कर रहे हैं हम लोग. वी विल सी वेयर वी विल हेड. सो हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं बिग फोर्ट. सो सी दिस फॉल्स दांत. और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मतलब हम लोगों का ये पहला एक्सपीरियंस है इस टाइप का देखने के लिए. इससे पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था. फ्लाइंग डायनासोर्स, इनका अलग अलग नाम है मुझे पता नहीं. ये वेजिटेरियन था. दिस वन कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा ये पहला था. मेरा ये पहला था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज. सबका पहला था ये. सो दिस वन इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग दिस प्लेस. एक फूड पार्क है ये. ये क्या है? अच्छा माय इंडिया. माय इंडिया इसी के अंदर है और इधर पूरा पार्क है, डायनासोर पार्क. पार्क हम लोग बाद में घूमेंगे, अभी पहले माय इंडिया घूम लेते हैं. टेम्पल है ये. माय इंडिया देख के आ गए हम लोग. अब हम लोग डायनासोर पार्क घूमेंगे. ये क्या बना हुआ है पता नहीं. माय इंडिया. आप सबसे छोटे हैं हमारे में. छोटे देखो ना कैसा है ये. अरे तो रियल लग रहा है, रियल टाइप का ये पूरा लग रहा है. लाओ हाथ देना. नहीं 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 दो ना. अंकित आप सबसे छोटे, आप बैठिए इस पे. तू क्या गिर जाएगा नीचे. ये काफी सॉफ्ट है. चलो फोटो क्लिक करा यहां पे. ये 3D टाइप का बना हुआ है. फोटो ले तो फोटो. डायनासोर का अंडा ये ऊपर से निकला हुआ अभी है और इधर अभी फूट के निकलने वाला भी है. ये एक्चुअल में इसका साइज इतना बड़ा बड़ा होता था पहले. हाँ ये लेकिन वेजिटेरियन है पता है आपको. हाँ, ये वेजिटेरियन है वो. आपको कैसे पता? आपके साथ बैठ के खाना खाता था क्या? नहीं नहीं उसका ये तो बहुत फेमस है. हाँ और वो भी ये सबके अंदर ना साउंड लगाया गया है, पूरा साउंड आ रहा है. ये भाई साहब बहुत जल्दी में. These two are the most dangerous. उसके मुंह में देख सकते हैं, कहीं भी खाने के लिए तैयार हो जाता है. हंसता हुआ डायनासोर देखे हैं कभी? अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे विजिट कीजिए. ये भी बहुत बड़ा है. ये छोटा वाला बहुत प्यारा लग रहा है. सी डायनासोर का पार्क हमने घूम लिया है. अब हम लोग बाहर जा रहे हैं कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग किस में जा रहे हैं. तो अब हम लोग जा रहे हैं 5D. हाँ हाँ 5D. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पूरा लिखा हुआ है. वेटिंग टाइम खत्म होता है. अब हम लोग जा रहे हैं अंदर. जाने के आगे. हाँ कहीं भी बैठो ना अंकित, लास्ट में बैठते हैं ना, लास्ट में ज्यादा मजा आएगा. ओह जोर से लगा क्या?
सो हम लोग बैठ चुके हैं और हमने सबसे लास्ट वाला सीट चूज़ किया है. सो पीपल आर हेयर. जैसे हम लोग ने पहले बोला था कि लास्ट टाइम हम लोग तीनों गए थे 13D के लिए और उसमें काफ़ी ज़्यादा फन आया था. बट 5D वी नेवर एक्सपीरियंस. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम. वाई वी टूक द लास्ट वन आई विल टेल यू लेटर. अबाउट टू बिगेन. Perfect जी. That was awesome. है ना? हाँ, हम लोग इतना जोर से पकड़े हुए थे, डर लग रहा था. मजा आ गया. So let's go. Yes, yes. So 5D था बट फिर भी बहुत ज्यादा मजा आया है ना. चलो चलो चलते हैं आगे डेस्टिनेशन की तरफ. अंकित का ज्यादा बुरा हाल हो चुका है. सो 5D हमारा बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया हम तीनों को. और नेक्स्ट हमारा है रेन फॉरेस्ट. सो हमारा बैटरी खत्म हो चुका है इसलिए वी आर गोइंग टू टेक आवर पावर बैंक, नहीं तो अदरवाइज वी कैन नॉट फिल्म एनी. सो वी गॉट आवर पावर बैंक. सो फिल्म बनाते और हमें अभी जाना है रेन फॉरेस्ट ना. सो वी आर गोइंग टू रेन फॉरेस्ट नाउ. सो वी विल गेट इन साइड नाउ. लेट्स गो. मैं ये हाथ में रखता हूँ, मैं अपने हाथ. सो देयर आर सम स्नेक्स. ओके सो दिस इज द स्नेक. सो लेट्स गो. अभी हमें लोग आ जाओ मेरे पास आओ. आप आ जाओ मेरे पास आ जाओ. इधर आ जाओ. Dinosaur. So we are actually dinosaur. We are actually missing the fun. क्योंकि मुझे suit भी करनी है और ये fun भी करना है तो कुछ एक ही चीज मिल पाएगा. आ जाओ मेरे पास आ जाओ. मेरे पास आ जाओ. So a snake there it is. Woo! So this haunted and this one rainforest is the same. अभी मैं कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ.
चलो आप लोग चलो आगे, नहीं नहीं आगे आगे आगे, मिस मैं वन मिस कर दूंगा, नहीं नहीं आप लोग आगे चलो, चलिए आगे। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल चलो खत्म हो गया कि डरी नहीं है। लाइट लाइट जला हुआ था ना इसलिए इतना आ रहा था। चलो चलो अंकित थोड़ा सा तो डर लगा होगा, ऐसा नहीं है, लाइट ऑन था इसलिए बच गए। लाइट नहीं होता तो क्या पता था और आ गया। लाइट अगर थोड़ा सा भी नहीं होता तो बहुत लगता, लेकिन ये भी लाइट का उतना पता नहीं चल रहा था। हाँ लाइट के कारण पता नहीं चला। सोचो जब इसमें इतना लगा तो वो जाते 100 हाउस में तो कितना लगता। तो कोई नहीं, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन हॉन्टेड हाउस। हाँ हॉन्टेड हाउस हमने कैंसिल किया था, हम लोग चलते हैं वॉर्टेक्स इल्यूजन राइड पे। वो हमने बुला रही थी हॉन्टेड हाउस के लिए तो नहीं नहीं उसमें कैंसिल कर दिया। सो लेट्स गो फॉर द इल्यूजन। सर घूम रहा है इधर, देखना इधर अंकित। ये सिर्फ घूम रहा है, हम लोग का सर घूम रहा है, हम लोग का सर घूमना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली नहीं 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 एक्चुअली ये यू कैन नॉट फील दिस, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग राउंड लग रहा है ना। ठीक है आगे चलते हैं। तो वी विल गो, काफी अच्छा दिख रहा है ये। सो जब मैं बैक साइड देख रहा हूँ तो आई एम फीलिंग लाइक सो हम लोगों को एक्चुअली उसमें इल्यूजन वाले वॉर्टेक्स में से भगा दिया गया, लाइट काट दिया गया। हम लोग बहुत टाइम हो गया था ना दो मिनट उसमें बैठे रहो, तो हम लोग बहुत देर से उसमें शूट कर रहे थे। वो वीडियो में नहीं पता चला होगा, एक्चुअली यू नीड टू प्रेजेंट देयर टू सी दोज थिंग्स, मतलब इल्यूजन फील करने के लिए ना, मतलब कि आपको उसके अंदर रहना पड़ेगा। और लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग चारों वो उसके सिलेंडर अब हमारा है, लास्ट है जो है सिलेंडर। तो सिलेंडर शेप में बना हुआ था, वो काफी ज्यादा घूम रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं टी के जो दो थर्ड नहीं ट्रिक आई। सो अब हम लोग जाएंगे ट्रिक आई की तरफ। सो ट्रिक आई मीन्स इट्स मीन 3D पिक्चर बने हुए हैं, तो यू गोना हैव टू क्लिक द पिक्चर्स ऑन दोज थिंग्स। सो चलते हैं इसके अंदर। ओके सो वी नीड टू रिमूव द शूज हियर, सी दिस इज द 3D आर्ट। और ये पिक्चर लेने के बाद ही सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। पैर फैला नहीं।
हमने घूम लिया है और अंदर में आप 3D पिक्चर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, वहाँ पे आप अच्छा अच्छा फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नो वर्ल्ड और हॉन्टेड प्लेस भी है, तो ये दोनों छोड़कर हम लोगों ने सारे चीज़ घुमा, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस को हम लोग ने एक्सचेंज किया था और स्नो वर्ल्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो मैसूर में हम लोग ऑलरेडी वी हैड फन, ग्रेट फन देयर, और यहाँ पे काफ़ी छोटा है, तो इफ़ यू, हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को अफसोस नहीं हो रहा है। और इफ़ यू हैवेंट एक्सपीरियंस दिस थिंग येट, तो आप यहाँ पे अगर विजिट करते हो तो यू कैन गो एंड एब्सोल्युटली यू गोना हैव फन। ये वैक्स म्यूजियम है, जो इसके लिए आपको 200 पे करना पड़ेगा। सो थंडर वर्ल्ड हमने घूम लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए जगह के साथ। बाय बाय, सी यू, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से। हम लोग अब न्यू ब्लॉग में, और अब हम लोग ये ऊटी से बैंगलोर के लिए वापस जा रहे हैं।